भाई भाई क्या बना रही हैं? हलवा बना रहे हैं। भाभी जी बनाते वक्त थोड़ा सा गुनगुनाइए, थोड़ा सा मटकी और ठीक है, जरा रौनक लगी रहेगी, जरा मजा आएगा। आज हमारा बिल्कुल भी मन ना आई है ये सब करने का। भाभी जी क्यों टेंशन ले रही हैं आप? जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, गुंडे तो क्या लड्डू के भैया तक आपको हाथ नहीं लगा सकते। यस आइडिया ओ का है, हाथ ना ही लगा सकते, वो तो हमारे पति हैं। भाभी जी हम सिक्योरिटी वालों का एक उसूल है कि हम किसी पे यकीन नहीं करते, भले वो आपके पति क्यों ना हो। हमारी नजर में हर आदमी एक कातिल है। ऑलराइट भाभी जी। और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी। क्या आप अगली मोमबत्ती पे हलवा बना रही हो क्या? एक मिनट, कहाँ चले आ रहे हैं? हाँ क्या यार, कमाल के सिक्योरिटी गार्ड है, हम अपनी बीवी से मिल भी नहीं सकते क्या? वो जेब नहीं है। लेकिन हथियार तो कहीं भी छुपाया जा सकता है ना। अच्छा मतलब हम अपनी बीवी को हथियार से मारेंगे? देखिए हम सिक्योरिटी वालों का काम है शक करना, और हम बड़े शक की किस्म के लोग होते हैं, हम हर किसी पे शक करते हैं। आपका शक गया घुइया के खेत में, समझे? अंगूरी जरा हलवा खिलाओ, पगली बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ अभी देते हैं। अभी एक मिनट, इससे पहले कि आप वो हलवा खाएं, मुझे मालूम करना पड़ेगा कि उस हलवे में जहर है या नहीं है। आइडिया आपका मतलब है कि हम ई हलवे में जहर डालेंगे? नो भाभी जी, नो ऑफ कोर्स नॉट। मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए क्या है कि आप खिड़की पे खड़ी होके हलवा बना रही हैं, ठीक है, और आप हलवा चला रही हैं, और आपको छींक आई, आप छींकी और पीछे से कोई आया, उसने उसमें जहर डाल दिया, भाग गया, और आप पलटी आपने हलवा चला दिया। मतलब दिस इज सो सिंपल, लॉजिकल है ना भाभी जी? लेकिन एक बात बताइए, कोई हमें इस तरह से क्यों मारेगा? ताकि भाभी जी अकेले पड़ जाएं और वो भाभी जी को आसानी से हासिल कर सके। लॉजिक है, शी इज अ सॉफ्ट टारगेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो भाभी जी जो हलवा है आपका, पहले मेरे बॉयज चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे उसमें जहर है कि नहीं है। ओके, लेट मी कॉल द बॉयज। बॉयज, 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 हलवा चेक करेगा, चकल में। तिवारी जी देख रहे हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, ये सब अपनी जान पे खेल के आपकी बीवी की हिफाजत कर रहे हैं। हमारा काम भी इतना आसान नहीं है तिवारी जी। बाकी समझ में आ रहा है भभूति जी, थैंक यू। इट्स ऑल राइट। मजा आओ भैया। आई लाइक इट। भैया जी सामने चेक कर लियो, हलवे में जहर ना था। गॉट बॉयज डिस्पर्स। ठीक है पैर छूना बेटा। तिवारी जी हलवा क्लीन है, उसमें जहर नहीं पाया गया है, और आपकी बीवी ने बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है, आपका हक पहुंचता है। प्लीज गो अहेड। चलो पगली श्री गणेश करे। अरे यार अब तो भाभी जी ने भी हमको घर से बाहर निकाल दो। इल्लू कहाँ जाए यार? अब हम कहाँ जाएंगे? अबे बावले हमारी जिम्मेदारी विभूति सेठ जी के कंधों पर है, वो ही हमारा इंतजाम करेंगे। और ऊपर से ये विभूति भैया भी ना पता है कहाँ मर गए, अभी तक ना आया। मून शेरो। अबे लोनो तुम लोग बाहर कैसे बैठे हो? भाभी जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। जन्नू भी कमाल है यार, ऐसे कैसे कर सकती है? तुम लोग रुको, रुके हुए तो हैं, रुके हुए तो हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डांट क्यों रहा है यार? मैंने तुम्हें नौकरी दी है यार, कुछ तो साल इज्जत करो मेरी। तुम्हारा बॉस हूँ यार। अनु बेबे अनु बेबे अनु, तूने बच्चों को बाहर निकाल दिया? निकाल दिया तो
निकाल दिया, तो मतलब हाउ कैन यू बी सो कोल्ड ब्लडेड यार, मतलब ये बच्चे रात को कहाँ जाएंगे यार, कितने ये गरीब बच्चे हैं यार, यू कांट डू दिस टू देम, इतनी रात को तुम निकाल नहीं सकती उनको, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें कोई फीलिंग है कि नहीं है यार, ये गरीब है तो क्या हुआ, पता नहीं ये कौन गुंडा हमारे और अंगूरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, इस चक्कर में ये भभूति जी को अलग से झेलना पड़ रहा है। का हुआ लिट्टू के भैया, इतने परेशान काहे लग रहे हैं? हाँ अरे परेशान ना हो तो और क्या करें, वो गुंडा बार बार हमें धमकी दे रहा है। तो आप चिंता काहे करते हैं, भभूति जी हैं तो सही, इसी बात की तो चिंता है, वो आदमी इस बात का खूब फायदा उठा रहा है, हमसे मनमानी रकम वसूल कर रहा है। लेकिन लिट्टू के भैया वो अपना ड्यूटी ना बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। घिया ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है, पर सुनो हमारे दिमाग में एक तो आइडिया है पगली। का आइडिया है पगले? सॉरी हमरा मतलब है लड्डू के भैया का है। आइडिया ये है कि हम तुम्हें तुरंत ही अम्मा के यहाँ छोड़ के आते हैं। ये क्या वाहियात अड्डे दे रहे हैं भाभी जी को? भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी, भाभी जी यहीं रहेंगी, राइट हियर। यहाँ नहीं रहेंगी क्योंकि अम्मा के यहाँ वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल गलत, अगर भाभी जी सुरक्षित हैं तो यहाँ सुरक्षित हैं। सपोज कि आप भाभी जी को लेकर अम्मा जी के पास जा रहे हैं और रास्ते में गुंडा अगवा कर लेता है तो कौन लेगा जिम्मेदारी, आप लेंगे? नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे अम्मा जी के यहाँ लड़के भैया। अभी जी डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, लाइक अ लीच, आई मीन लाइक अ लीच। हाँ लेकिन हमको कौनो चिंता नहीं है, वो तो लड़के भैया बहुत चिंता कर रहे हैं। भाभी जी आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, तो चाहते हैं कि आपको अगवा कर ले वो गुंडा। क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप, और ये तीनों लौंडे यहाँ का क्या कर रहे हैं? मैंने फैसला किया है कि ये तीनों वेल ट्रेन कमांडोज आज से आपकी सुरक्षा में रहेंगे 24/7, क्योंकि आपको धमकी मिल चुकी है, तो ज्यादा नहीं इनको आप दे दीजिएगा 500-500 रुपए। 500-500 रुपए? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमें ये तीनों लौंडे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और खासकर टिल्लू का बच्चा ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों, मुझे देखकर तुम्हारे गुर्दों से धुआं क्यों निकल रही है? एक तो मेरी तनख्वाह मारे बैठे हो और ऊपर से तमीज से पेशा मनमोहन तिवारी, मैं तुम्हारे बाप का नौकर ना हूँ। और ये गधे के बच्चे भी नहीं चाहिए। दिस इज रिडिकुलस। देखिए तिवारी जी आप नहीं समझ रहे हैं, ये आपकी और भाभी जी की सुरक्षा का सवाल है। हेलो, क्यों बे मनमोहन तिवारी, बहुत चर्बी चढ़ गई ना तेरे को? अरे यार कहाँ चर्बी चढ़ी है भाई, क्यों हमें परेशान कर रखा है? आवाज ऊंची नहीं, टोन नीची कर। और हाँ बेटा, अभी परेशान किया कहाँ है, अभी तो परेशान करना है तुझे। देख मैं तुझे कैसे उठा के लेके जाता हूँ तेरी साले। हेलो 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 टेलर बॉय कमांडर। यस सर। तो तिवारी जी क्या डिसाइड किया आपने? हमें भले ही कोई उठा कर ले जाए लेकिन हमें ये तीनों लौंडे यहाँ नहीं चाहिए, खासकर इसकी शक्ल तो देखना नहीं चाहता मैं। भैया भैया मैं जो है ना ये एक काम करो तुम चले जाओ सर जी के यहाँ, मैं फिर बाद में बताता हूँ क्या प्लान है। ओके भैया, कम ऑन गाइस, कम ऑन, मूव इट मूव इट मूव इट मूव इट। यस सर। अप 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 अप। भाभी जी आइए बेडरूम में चलते हैं। हम भी चलेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं आपका नहीं सिर्फ भाभी जी का अंगरक्षक हूँ। आइए भाभी जी फॉलो मी। गुड नाइट लड्डू के भैया। I like it. Ha
I like it. अबे मलखान क्यों मस्ती कर दिया? अबे कहाँ को हाथ डाल दिया है? अबे तेरे बड़े पतले पतले हाथ हो रहे हैं, अबे चिकने भी हो रहे हैं, अबे जे कैसे हाथ है तेरे? Boys, relax, relax, relax. Nago. 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 भैया नगु कौन है गो? अरे मेरा पालतू सांप है, उसका पूरा नाम नागेंद्र है, निकनेम नगु. नगु. काटता नहीं है वो, बिल्कुल काटता नहीं है, और अगर काटेगा भी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जहर ही नहीं है. जो भी उसका जहर था सब निकाल के मैं पी चुका हूँ. नगु. नगो, उसकी एक आदत है बस. सक्सेना जी. हाँ. कौन सी आदत आ गई उसकी? वो ना इंसानों की पैंट या शर्ट में घुस के सोता है. अरे कमाल कर रहे हैं भैया. ये जो आपकी इसकी जो आदत है ना, ऐसा करो आप अपने पैंट शर्ट में घुसा के रखो उसको. अरे यार वो डेली मेरी शर्ट में ही घुस के सोता है भाई. आज गलती से गलत एड्रेस पे पहुंच गया था. नगो. अरे सक्सेना भैया, आप अपने नागेंद्र से बोलो और उसे अपनी शर्ट में घुस के ही सोया करे वो, वरना आज फिर वो गलत एड्रेस पे चला गया. I like it. नगो, जंप 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 जंप. गलत एड्रेस पे जाता है बेटा. मेरा नगो गलत एड्रेस पे पहुंच गया था बेटा. आराम से आ जा. वाओ, व्हाट अ ब्यूटी. वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल. विभु. या. ये क्या नाटक है? मैंने तुम्हें जरा सा क्या बोला कि तुम घर से चले जाओ, तुम सच में ही घर छोड़कर आ गए. घड़े में आपने बोला नहीं था, आपने मेरा बैग उठाकर बाहर फेंक दिया था. अरे तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं हमेशा तुम्हारा बैग उठाकर फेंक देती हूँ. ना जाने कितनी बार तो मैंने तुम्हारा बैग उठाकर फेंका है. इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम घर छोड़कर चले आओगे. चलो अब हो गया, घर वापस आ जाओ. जाइए ना, अनीता जी बुला रही है. तो चलो ना विपु, प्लीज आ जाओ ना. Baby, I'm sorry. I'm on duty. विपु, I'm missing you. आ जाओ ना. इस वक्त तुम्हें मेरी नीड है अनु, इसलिए बुला रही हो. लेकिन इस वक्त मुझे भाभी जी की नीड है, इसलिए आऊंगा नहीं. क्या बोले? भाभी जी, इस वक्त अगर मैं छोड़ के जाऊंगा आपको, तो मेरे फर्ज के साथ, मेरी ड्यूटी के साथ ये नाइंसाफी होगी और गद्दारी होगी. अंगूरी जी के साथ तिवारी जी हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ. तुम अकेली नहीं हो बेबी, तुम्हारी नीड अकेली है. ये क्या नीड 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 लगा रखा है तुमने? तुम्हारी नीड अकेली है. ये क्या नीड 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 लगा रखा है तुमने? सीधे सीधे जवाब दो, तुम वापस आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? मैं भी साफ साफ ही कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ. ठीक है, बाहर में जाओ. काहे नाराज कर दिए उनको, आप जाइए ना. भाभी जी, इज्जत आपको कोई छोड़ के जाएगा तो बहुत बड़ा उल्लू का भट्टा होगा. क्या बोले? भाभी जी, आप इस वक्त चैन से सो जाइए, मैं आपकी रखवाली कर रहा हूँ. ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब बखैर. ठीक बा, गुड नाइट. ही बोलती रहती, पहनती तो है नहीं. अरे भाभी जी, क्या कर रही है ये? अरे मुंह खोल के सोइए भाई, हमें मालूम पड़ेगा हम किसकी रखवाली कर रहे हैं. भाभी जी, क्या कर रहे हैं आप? इधर मुंह दिखाइए, ऐसे तिखा सोइए, ऐसे साइडवेज. हाँ ऐसे. हाँ, ये
थोड़ा फेस को हाइट दीजिए, थोड़ा लाइट लीजिए, वो आ रही ना पोल की लाइट, वो लीजिए जरा। हाँ ये देखिए ये, हाँ लुक वेरी गुड, ठीक बा या ठीक 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 है भाभी जी। She's so naughty sometimes. God. मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि मुझे घूर रही है नींद में।